Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th Social Studies Worksheet Week 27 Topic International Organizations. आज हम क्लास 5th Social Studies की वर्कशीट सॉल्व करेंगे Week 27 Topic International Organizations. तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. Question 1. Fill in the blanks using the correct word. उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए. बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. मेंबर वर्ल्ड 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क. आपको सही वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है. ए करते हैं. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन डैश. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश को हुई. तो यहाँ हम फिल करेंगे 24 अक्टूबर 1945. बी द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय डैश में है. तो यहाँ हम लिखेंगे न्यूयॉर्क. सी India has been a dash of United Nations Organization from the beginning. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभ से ही डैश रहा है. तो यहाँ फिल करेंगे मेंबर. डी United Nations is the largest organization in the dash. संयुक्त राष्ट्र संघ डैश का सबसे बड़ा संगठन है. तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ल्ड. United Nations is the largest organization in the world. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question 2. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. First, what is United Nations organization? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे United Nations organizations, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNO भी लिखते हैं, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. बी राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई दो उद्देश्य लिखें. तो यहाँ हम लिखेंगे टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आर. फर्स्ट टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम डिज़ास्टर. सेकेंड टू रिजॉल्व मैटर्स अमंग कंट्रीज बाय नेगोशिएशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी डिफाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिस्क्राइब कीजिए. तो इसका आंसर हम लिखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट लिंक्ड टू ओनली वन कंट्री बट टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. They work for the benefit of the people and help in maintaining peace throughout the world. Examples are UNO, SAARC, NAM, NAM. D करते हैं. Write the names of any three agencies of the United Nations Organization. संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं तीन संस्थाओं के नाम लिखिए. तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एनी थ्री एजेंसीज के नाम लिखने हैं. आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ. फर्स्ट यूनिसेफ, जिसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहते हैं. सेकंड WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. थर्ड ICJ, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. फोर्थ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ यूनेस्को. यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3. लुक एट द फॉलोइंग एम्बलम एंड राइट द नेम्स ऑफ एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के नाम लिखिए. तो यहाँ पर आपको दिए गए एम्ब्लेम को पहचान कर एजेंसी का नाम लिखना है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट एम्ब्लेम दिया गया है वह है यूनिसेफ का. तो यहाँ हम यूनिसेफ लिखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं.
सेकंड एम्बलम है WHO का, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, हाउ टू रीड अ मैप, मानचित्र कैसे पढ़ें। क्वेश्चन वन, वॉच द गिवन वीडियो केयरफुली एंड राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ मैप्स। दी गई वीडियो देखकर मानचित्र के कोई दो लाभ लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, फर्स्ट, एनी पर्टिकुलर एरिया एंड इट्स सराउंडिंग थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मैप। सेकंड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस कैन बी अंडरस्टूड बाय मैप्स। क्वेश्चन टू, राइट द नेम ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।